हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बॉम्बे मसाला टोस्ट सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। इस मसाला सैंडविच को मैंने कई बार बनाया है। यह सैंडविच खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू मसाला बनाना होगा, तो उसके लिए हम पैन में ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। तेल के गर्म होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच सरसों, 6-7 करी पत्ता, 5-6 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट। इन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हमें डालना है 2 उबले हुए और मैश्ड आलू। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारा आलू मसाला बनकर तैयार है। फिर हमें ब्रेड का स्लाइस लेना है और इस पर हम बटर को स्प्रेड करेंगे। फिर हमें हरी चटनी डालकर इसे भी स्प्रेड करना है। सेम प्रोसेस हम दूसरे ब्रेड पर भी करेंगे। फिर जो हमने आलू मसाला बनाया था ना, उसकी टिक्की बनाकर ब्रेड पर रख देंगे। फिर टिक्की के ऊपर हम रखेंगे प्याज के स्लाइसेस, टमाटर के स्लाइसेस और शिमला मिर्च के स्लाइसेस। फिर इसके ऊपर हमें एक चीज का स्लाइस भी रख देना है और इसे हम दूसरे ब्रेड स्लाइस से क्लोज कर देंगे और इसके ऊपर हमें बटर को भी स्प्रेड कर देना है। तो यहाँ पर मैं सैंडविच को ना टोस्टर में टोस्ट कर रहा हूँ। आप रेगुलर पैन में भी टोस्ट कर सकते हो। टोस्टर में हम बटर को ऐड करेंगे और सैंडविच को टोस्ट करेंगे। सैंडविच को हमें लो फ्लेम पर टोस्ट करना है दोनों साइड से ब्राउन कलर आने तक। तो हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सैंडविच पर हम बटर को लगाएंगे, फिर हरी चटनी को भी स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर हमें बारीक सेव को भी डालना है। फिर हम सैंडविच को 4 पीसेस में कट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। आपको यह बॉम्बे मसाला टोस्ट सैंडविच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।